नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में चार तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप आपके मॉनिटर का रिफ्रेश रेट पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले ट्रिक नॉर्मल ट्रिक है जिससे हर कोई जानता होगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, पहली मेथड है, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे और डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद में आपके सामने डिस्प्ले ऑप्शन आएगा, उसमें आप एडवांस डिस्प्ले सेटिंग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, जूम करवा के आपको बताता हूँ। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का विजार्ड आएगा और यहाँ पे आपका रिफ्रेश रेट पता चलेगा। देखिएगा, यहाँ पे रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका कितना रिफ्रेश रेट है। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट रहेगा उतनी आपकी स्क्रीन अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे रिफ्रेश रेट यहाँ नीचे भी दिया हुआ है जहाँ से आप इस रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिफ्रेश रेट, यहाँ पे देखिए 23 से स्टार्ट होके 60 हर्ट्ज तक यहाँ पे दिया हुआ है। हो सकता है आपका 90 हर्ट्ज होगा, वो नीचे जाएगा, मतलब 60, 70, 80, 90 ऐसा चला जाएगा। तो मेरा जो मॉनिटर है वो 60 हर्ट्ज तक है। 60 हर्ट्ज ये डिसेंट मॉनिटर माना जाता है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड देख ली किस तरह से हम चेक कर सकते हैं हमारा रिफ्रेश रेट। हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में आपको विंडोज आर प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से। आप जैसे प्रेस करेंगे तो इस तरह का विंडो आएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे CMD और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। अब यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है, तो कमांड मैं टाइप कर देता हूँ। ये कमांड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरा करंट रिफ्रेश रेट अभी 60 है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये 60 बता रहा है। जैसे मैंने आपको डिस्प्ले में बताया वहाँ पे भी 60 था। तो यहाँ पे दो मेथड हो गई है, अब हम तीसरी मेथड पे चलते हैं। तीसरी मेथड बहुत ही आसान है, सिंपल। आपको आपके कीबोर्ड से विंडोज आर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है DXDIAG और एंटर प्रेस करना है। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करवा के बताता हूँ क्या लिखना है। सबसे पहले विंडोज आर बटन प्रेस करनी है, DXDIAG और ओके करना है। आप जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी इस तरह से। आप डिस्प्ले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट डिस्प्ले मोड यहाँ पे दिया हुआ है और हर्ट्ज भी दिया हुआ है जो कि 60 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे आपने तीन मेथड देखे, अब चौथी मेथड भी देख लीजिए। चौथी मेथड भी विंडोज आर से ही है। विंडोज आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे MS Info। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है MS Info। आपको जूम करवा के दिखा दे है MS Info 32 और ओके करना है। आप जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का विजार्ड आएगा। आप यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाएंगे, उसके बाद में डिस्प्ले। अब डिस्प्ले जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रिजोल्यूशन जो है वो शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1920x1080x6 हर्ट्ज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है वो भी दिया हुआ है और आपका हर्ट्ज भी दिया हुआ है। तो ये हुए हमारे मेथड। अब बोनस आपको बता देता हूँ और एक मेथड जिससे भी आप चेक कर सकते हैं आपका मॉनिटर का रिफ्रेश रेट क्या है। तो रिफ्रेश रेट के लिए आपको विंडोज आर बटन प्रेस करना है, उसके बाद में आपको एक कमांड यहाँ पे लिखनी है रन बॉक्स में जो कि run DLL32 है .exe display.dll show adapter setting और ओके करना है, जिससे कि आपके सामने इस तरह का एक विजार्ड आएगा और यहाँ पे आप मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट शो होगा। यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट शो होगा और यहाँ से आप रिफ्रेश रेट को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने नियर अबाउट आपको 5 मेथड बताए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।